सुनोगे कि अपने नवाज़ जाए सवार साल उठते और ये रुकने जो नहीं रहा हूँ की बची अपने पास आई रोक के जाने का रास्ता है तीन शेड लगे हुए हैं। मैं भीगा भी नहीं हूँ, अभी तक बचा हुआ हूँ। क्या बात है, क्या पता प्रसाद की दुकान है, प्रसाद अपने को लेना नहीं, क्योंकि अपने स्कूटर से आए टाउन वैसी बहुत है। अभी इस समय ये भैरव बाबा के पास में ही है, क्या बात है। और ये मंदिर घरवालों का, ये आगे पूरा एक बरामदा बना रखा है, खाना बड़ा छत बहुत बड़ा सड़ती है इसमें, और आज पूरा आशा रहे कि आज स्नोफॉल हो जाए। बादल हम बैठे वहाँ पे, ये भी पटना का भी दिख रहा है, जम्मू का भी दिख रहा है, वो जो नदी दिख रही है कभी नदी है कभी, और मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। पानी बरसने वाला है, ऊपर का मौसम दिख रहा है आपको, बहुत खतरनाक मौसम हो सकता है। रुके हैं अभी तीन चार मिनट, देखते हैं क्या होता है, शायद इसमें पानी मिल जाए, लगता नहीं हमारी कौन है।
में राजा सारे आ गए। लो बेटा फोन आज क्या बात। अब ये तो खाने यही है, यही है, यही है। क्या बात है, खा लेंगे तो आएंगे। मोटे मोटे लोग खतरनाक मौसम हो गया है। नीचे ऊपर देख सकते हैं तेज हवा चल रही है और पानी बरस रहा है। ये तो तीन साइड पड़े हुए, तो तीन साइड पे चल रहा है लेकिन फिर भी बहुत सारा आ रही है पानी की और थोड़ा धुंध बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा कुछ इस तरह है मौसम का नज़ारा। बहुत तेज पानी बढ़ रहा है और हवा चल रही है। पानी फिलहाल नहीं रुक रहा है, पता तो अपने डिसीजन लिया है कि साथी निकाल लिए पहले हमें स्पेशल में प्लस ले जाना बहुत बढ़िया है। ये सेठ अपने आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ये देखिए ऊपर से फुहारे बनके नीचे आ रही है, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये देखिए टीम पे दिख रहा हुआ हल्का हल्का सा, टीम पे जो गिर रहा बूंद है इसमें हरियाली पे तो तब दिखाई देगा जब बहुत तेज हो जाएगा नीचे की तरफ। हाँ ये हल्का हल्का सा जानकारी ये है कि पानी बहुत तेज बरस रहा है और मैं आधा भीग चुका हूँ लगभग। बरसाती आने रही है क्योंकि मेरे पीछे बैग है और यात्रा नीचे से भी रोक दी गई है और ऊपर भी लैंडस्लाइड हो गया है तो वहाँ भी यात्रा रोक दी गई है। तो मुझे भी अभी कहीं रुकना पड़ेगा और आज और कल दो दिन बहुत भारी बारिश के बताए। साधन वो यूज तो नहीं करते हल्के और अभी ये बिल्कुल ताजी बर्फ आ रही है ऊपर जो भी गई है ये बहुत ज़्यादा है पानी बरस रहा है। बहुत ठंडा मौसम है ये सब ताजी बर्फ आ रही है बिल्कुल अभी की। थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा था हैवी स्नोफॉल जो होगा वो या तो रात भी होगा या कल होगा होगा जल्दी। मोबाइल पे कस्टमर का पड़ा भाई साहब। ये देखिए जरा व्यू
क्या बात है, इधर का नजारा देखा कि वो जो मसाज वाली जो कुर्सी है उसका बैठ के देखता हूँ कि यहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही है, और जब से मैं ऊपर से उतरता हूँ पंडित कुमारी से तब से लाइट नहीं है। फिलहाल अपनी यात्रा समाप्त हो गई है, अभी फिलहाल घर लौटे तो घर ही याद रहता है। होटल में भी जस्ट लौटा हुआ है बिल्कुल अभी, और पूरा सब भीगा हुआ है, बहुत पानी बरसा है, इतना पानी बरसा कि कमरा भी टपक रहा है। तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या करना, अभी तो फिलहाल में पानी अपना गर्म करने के लगा रहा हूँ और अपने निकलने की तैयारी। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है, कल जो तारीख और जम्मू में कर्फ्यू लगा दिया गया है सुबह 9 से रात के 6 बजे तक, और रात के 9 बजे सुबह के 6 बजे तक, और मुझे निकलना था सुबह 4 बजे, तो मुझे लगता है मैं नहीं निकल पाऊँगा। और कल पानी बहुत बताया है कि कल पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं, तो कल का कल अगर निकलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखते हुए आए वीडियो बनाइए, सब कुछ कराए, बहुत मेहनत लगी है, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिए, कमेंट भी कर दिएगा, और नहीं पसंद आए तो भी कर दिएगा। और एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ कि इस पूरी सीरीज़ को मैंने केवल एक हेलमेट कैमरा इस्तेमाल किया है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, और एक ये मोबाइल बस X60 Pro और एक सेल्फी स्टिक पूरी।